आए हुए थे हिमालयन के शूट पे और अपने गोपरों ने धोखा दे दिया। अब क्या कह सकते हैं, फोन से ही बनानी पड़ेगी। देखो ये ऑन ही नहीं हो रहा है, हो गया हमारे साथ। तो मैंने इसकी बैटरी भी निकाल दी। टू टुडेज व्लॉग, आज है व्लॉग में हिमालयन बेसिक्स। हमारे साथ एक ट्रेटजी हो गई, ट्रेटजी ये हो गई कि हमारा गोप्रो शूट के वक्त पे ऑन नहीं हो रहा है और गोप्रो लेकर ही आए थे, कैमरा है नहीं, बाकी अपना एक फ़ोन रहता है बैकअप में, तो मजबूरी में फ़ोन से ही ब्लॉग बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। गोप्रो वाला शॉट आपने देख लिया होगा, वो चालू ही नहीं हो रहा है। अब ऐसा पता नहीं क्यों होता है, गोप्रो का ग्लिच है क्या है। बैटरी निकाल के वापस भी डाल ली तो भी चालू नहीं हो रहा है। हमारे रखे हैं कुछ ऐसा, ये लोधी रोड पे, लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं इसको, और हिमालयन BS6 है ब्लॉग में आज। व्हाइट कलर की बाइक है, यहाँ पे आपको ग्रे की स्टिकरिंग दे रखी है, ये पैड नहीं है, ये स्टिकरिंग है। जो मोटे मोटे चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, और फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्या करूँ, मेरा गोप्रो ने धोखा दे दिया। ऐसा लग रहा है कि किसी लड़की ने धोखा दे दिया। तो सबसे पहले चेंज तो आप ये देख सकते हो, BS4 हिमालयन में यहाँ पे आपको 3D वाली इंग्रेविंग दिखती थी, ये यहाँ पे स्टिकर है। आप इसको स्टिकर आप हाथ से फील कर सकते हो, अगर बच्चे वगैरह होंगे तो उसको हटा भी सकते हैं। तो पहले वाले मेरे को ज़्यादा ठीक लगता था। पीछे की तरफ से कोई चेंजेस नहीं है बाइक में, डिज़ाइन लैंग्वेज में कोई भी चेंज नहीं है। जो चेंज है वो आपको या तो सेंसर के रूप में दिखेगा, या तो आपको क्या कहते हैं ABS वगैरह में चेंजेस दिखेंगे। अगर इधर आए इंजन की तरफ, तो ये इंजन वही है 411cc का, सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, पावर प्रोड्यूस करता है 24.2 BHP की, और जो टॉर्क है वो 32 Nm है। पावर में अगेन यहाँ पे आपको कोई भी बदलाव नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा ऊपर आए टैंक की तरफ, तो ये कलर बहुत बेसिक कलर है, और ये सबसे कहते हैं कि जो कहते हैं ना स्टैंडर्ड कलर में आता है, एक ये एक ब्लैक, तो ये आपको सबसे चीप प्राइस में मिलेगा, सबसे कम प्राइस में। तो इसकी ऑन रोड कीमत अगर मैं बात करूँ तो 2,20,000 रुपये है इस वाले और ब्लैक वाले कलर की। वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। अगर मीटर कंसोल की तरफ आएँ तो ये आप यहाँ पे मीटर देख सकते हो, हिमालयन का टिपिकल मीटर जो 2016 से चला आ रहा है। अब डिफरेंस यहाँ पे आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे आपको एक ABS का स्विच दिख रहा है, ये आप देख सकते हो। तो ABS का स्विच मतलब ये कि आप रियर का ABS डिसंगेज कर सकते हो। डिसंगेज बोले तो अगर आप ऑफ रोड में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको रियर का जो ABS है या ABS की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ABS आपको इसमें डिसंगेज हो जाएगा, आगे का वही रहेगा। अगर मीटर की बात करें तो यहाँ पे आपको गियर का देख सकते हो, ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, टाइम आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, 44°C है अभी दिल्ली में, 230 ये आपकी ओडो है, 111 ये आपका ट्रिप मीटर है। अगर इसको मैं चेंज करूँ तो ये ट्रिप है आ रहा है, यहाँ पे ट्रिप भी आ रहा है, ट्रिप भी में आपको 280 दिखा रहा है, और ये एवरेज आपका 22 km/h दिखा रहा है। साइड स्टैंड अभी लगा है, तो साइड स्टैंड की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा एक सेफ्टी फीचर जो BS6 बाइकों में आ रहा है। फॉर एग्जांपल अभी बाइक मैं न्यूट्रल में कर देता हूँ, तो बाइक आप देख सकते हो न्यूट्रल का इंजन क्या, अगर मैं बाइक को स्टार्ट करूँ तो अभी बाइक स्टार्ट है आपकी, जैसे ही मैं आपका गियर लगाऊंगा बाइक बंद हो जाएगी। तो इससे सबसे जो कहते हैं ना सेफ्टी में, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आप साइड स्टैंड लगा के चले जाते हो, तो BS6 सभी बाइकों में हो रहा है। रॉयल इनफील्ड ने भी काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है यहाँ पे आपको ये फ्यूल का गॉज मिल जाएगा, जो आरी की बाइक बाकी बाइकों में नहीं होता है, जैसे बुलेट वगैरह में, तो वो एक चीज़ है। अगर आरी वाले देख रहे होंगे तो उसको प्लीज़ ठीक कर देना। यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिल जाएगा, ये यहाँ पे आपको कंपास मिल जाएगा, वो बहुत अलग बनाता है हिमालयन को, क्योंकि ये आपको किसी भी बाइकों में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे मीटर की बात करें तो यहाँ पे आपको माइल्स और km/h दोनों मिल जाएगा। अभी मैं लेके आ रहा था तो 120 तक चली गई थी। मेरा गोप्रो काम नहीं कर रहा है, मेरे को बहुत गुस्सा आ रही है, मैं वीडियो में बार बार बोलूँगा, वरना मैं आपको दिखाता। फ्रंट में अगर आए हम यहाँ पे तो ये आपको हेलोजन मिलेगी, जैसे आती है रॉयल इनफील्ड की बाइक्स में। नीचे आपको मिल जाएगा LED का DRL, ये आपको हाई बीम और लो बीम, अगर पास की बात करें तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पास भी सही वर्क कर रहा है। इंडिकेटर, फ्रंट हेडलाइट और बैक इंडिकेटर ये आपको हेलोजन मिलेंगे। सिर्फ LED आपको ये मिलेगा जो आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये इसकी टेल है। अगर इसकी बात करें
तो ये हार्ड प्लास्टिक कह सकते हो, मेटल नहीं है ये। नंबर प्लेट आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। अगर इस तरफ आए तो ये आपका सारी गार्ड है, आप निकाल भी सकते हो अगर आप पिलियन लेडीज़ पिलियन नहीं बैठाते हो तो। बाकी सेफ्टी फीचर के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगर पोजीशन वगैरह की बात करें तो हिमालयन सब जानते हैं, हिमालयन एक नंबर होती है सिटिंग पोस्चर के हिसाब से। यहाँ पर आपको जैसे BS4 में आता था, पहले मैं बाइक बंद कर देता हूँ, जैसे BS4 में यहाँ पे आपको ऑयल कूलर आता था, ये ऑयल कूल्ड बाइक है, लिक्विड कूल्ड नहीं है। ऑयल कूल्ड का मतलब ये होता है कि जो आपका इंजन ऑयल है वो आपका यहाँ से सर्कुलेट होकर ठंडा होता रहता है, तो ये भी एक ठीक ठाक फीचर है। और अगर फ्रंट व्हील की तरफ आएँ तो रॉयल इनफील्ड कह रही है कि BS6 में आपका जो ब्रेकिंग है वो इम्प्रूवड है। यहाँ पर आपको जो कैलिपर है वो बाइब्रिक है, यहाँ पर ब्रांडिंग नहीं है, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो बाइब्री आ रहा है ये बाइब्री का है। और बाकी लुक के मामले में तो हिमालयन जिसको पसंद है उसको बहुत पसंद है, और जिसको नहीं पसंद है उसको बिल्कुल नहीं पसंद है। फ्रंट सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, ट्रैवल आपको इसमें 200 mm का मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे ये हार्ड प्लास्टिक है वो ठीक है, आपका जो वेट है वो बाइक का कम रखने के लिए ये ठीक है। यहाँ पे आपको एक और मड गार्ड मिलेगा, ये एक तरह से डिज़ाइन के लिए लगा रखा है। अगर इस तरफ आए तो जो एक और BS6 में बिग चेंज है वो है ये कैटालिटिक कन्वर्टर। ये RE की सभी बाइक्सों में आ रहा है, इंटरसेप्टर और GT में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि उसमें अंदर ही इनबिल्ड बना रखा है। यहाँ पे आपको एक ऑक्सीजन सेंसर मिलेगा, ये सारे आपको BS6 के नॉर्म्स को कंप्लीट करते हैं। साइड स्टैंड फीचर एक ये कैटालिटिक कन्वर्टर, स्विचेबल ABS। और चेंजेस की बात करें तो आप देख के नहीं बता पाओगे, एक बिग चेंजेस और है जो आप देख के बता पाओगे वो है ये स्टिकर और फिर ये वाला स्टिकर। बाकी बाइक चलाते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो इंडिकेटर है जो फ्लैशर बोलते हैं वो आप के जो चारों इंडिकेटर हैं वो एक साथ जलते हैं, ये कंपनी की तरफ से फिटेड आते हैं तो आपको बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पीछे के टायर की बात करें तो 120/90/17 कोई चेंजेस नहीं है। C8 का ये ग्रिप एक्सेल टायर है, लोग कहते हैं इसकी लाइफ बहुत कम होती है, बट अब ये तो आप ही लोग बताओगे, एग्जॉस्ट नोट वीडियो में आपको एंड में दिख जाएगा। और अगर फ्रंट के टायर की बात करें तो वो है 21 इंच का व्हील है, 90 नंबर का टायर है, ग्रिप आप देख सकते हो ब्लॉक पैटर्न टाइप के, इसमें आपको ये मिल जाएगा। स्पोक व्हील आता है हिमालयन में ऑफकोर्स क्योंकि ऑफ रोड बाइक है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये पीछे का मास्टर सिलेंडर है। एग्जॉस्ट आपको थोड़ा अपशिफ्ट मिल जाएगा क्योंकि जो आपकी वाटर क्रॉसिंग है वो यहाँ पे पानी आ जाए। अगर आप एग्जॉस्ट को देखोगे तो लिखा भी हुआ है नॉइज एमिशन कंट्रोल, BS6 का एग्जॉस्ट है ये। एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो वो आप ये सुन लो, तो मैं एज अ राइडर बैठा था, ऋषि एज अ पिलियन बैठा था। ऋषि कह रहा है भाई बुलेट के मुकाबले बहुत अच्छी सीट है इसकी, यही क्यों नहीं ली तूने, बट क्या कह सकते हैं। रॉयल इनफील्ड ने पीछे का जो ABS है वो स्विचेबल कर दिया है, आइए देखते हैं कैसे काम करता है। बात किया देख सकते हो, ये जो ABS का इंडिकेटर है ये इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो पीछे का ABS है वो डिसंगेज हो गया है। तो ज़्यादा बिर पे गोफरे वगैरह है नहीं, ऋषि है ट्राईपॉड भी नहीं लाया हूँ, तो एक दो स्किड मार के दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ मारिए, हाँ आगे आगे, हाँ हाँ
सही से नहीं आया, एक और मार। तो अभी अपन आ गए हैं दूसरी लोकेशन पे हिमालयन को लेके, ये वाली वॉल पे। बहुत लोग जान रहे होंगे जो दिल्ली से होंगे, तो मैंने आपको बाइक के बारे में बता दिया, इंजन के बारे में बता दिया, और गोप्रो बंद हो गया, मैं क्या ही बोलूँ। और सस्पेंशन वगैरह काफ़ी सॉफ्ट है, आपने देख लिया होगा वीडियो में। और मैंने पीछे का जो ABS है, जो पीछे का ABS है, वो मैंने डिसंगेज करके भी आपको दिखा दिया, तो वो भी आपने देख लिया होगा कि पीछे का टायर है वो स्किड मार रहा है। तो अगर आप ऑफ रोड लेकर जा रहे हो बाइक को, तो वो काफ़ी अच्छा है। ये थी हिमालयन, आई होप आपने सब देख लिया होगा। BS4 के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखे मेरे को इसमें, बस एक तो कलर स्कीम चेंज है और स्विचेबल ABS डाल दिया है। और बाइक हमें रिटर्न करनी है शोरूम पे, तो हेलमेट में बाल थोड़े ख़राब से हो जाते हैं बाकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। GoPro ख़राब हो गया था तो उसके लिए सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, मेरे को भी काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, बाकी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ कमेंट कर देना अगर पूछना है तो। और ये बाइक मैंने ली है SR मोटर कोटला मुबारकपुर से। तो अगर आपको ये बाइक देखनी है या रॉयल इनफील्ड की कोई सी भी बाइक देखनी है, तो आप कोटला मुबारकपुर जा सकते हो। नाम लेना भाई का, अच्छा लगेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए भाई, मैं जा रहा हूँ। मीटर दिखाइयो, मीटर 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 कस पे पकड़ ले, तेज भगाऊंगा मैं, ब्रेक टांग ले दोनों तरफ। हाँ 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 चल स्टार्ट है ना।